नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। आज मैं बहुत खास बात को लेकर चर्चा करने वाली हूँ। बात यह है, यदि आप लोग बाल को खुला रख के सोते हैं या फिर खुला छोड़ देते हैं पूरे दिन, जो महिलाएं हैं घर में या फिर बाहर में, अगर रोज़ आप बाल को रोज़ आप खुला रख के आप टहलते हैं, घूमते हैं, घर में रहते हैं, इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए सुनने में ये बहुत ही मतलब छोटे बात लगते हैं कि ये क्या मतलब बेकार की बात है। मतलब ये ऐसे बहुत लोग होंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद बोल सकते हैं, पर देखिए पहले ज़माने के लोग जो है वो लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते थे, तभी वो लोग परेशानी भी उन लोगों की ज़िंदगी में, पहले के ज़माने के लोगों की जो ज़िंदगी में परेशानी जो है वो धीरे धीरे उनका जो है बहुत कम होता था। पर आज की ज़िंदगी में हर लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, साथ ही उस बहुत सारे कारणों में से एक कारण है बाल को खुला रखना। अभी मैं बात करने वाली हूँ इसी विषय में। आज जो है बदलते हुए जो परिवेश में महिलाओं द्वारा बाल को खुला रखना और ये सामान्य बात मानती है, जो महिलाएं आज की डेट में हैं इनको जो बाल को खुला रखना फैशन में शामिल करते हैं और समझते हैं कि इस तरह की कुछ चीज़ नहीं होता, शुभ अशुभ, इस तरह की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इस तरह की चीज़ होता ही नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं। तो अगर जो लोग ऐसे बात सोचते हैं, मैं आपको कह देती हूँ कि क्यों बाल को खुला रख के नहीं सोना चाहिए। देखिए बाल को अगर रात के टाइम, जैसे इस वक्त आप रात को कई बार लेडीज़ आप देखेंगे बाल को खुला रख के रात को सो जाते हैं, तो या फिर बैठ जाती है रात को, कोई ऐसे जगह चले जाती है, खुलेआम चले जाती है, कोई सड़क में चले जाती है, क्योंकि कहीं जंगल में कहीं पे भी आप घूमने चले जाती है तो वहाँ पे भी बाल खुला रख के चले जाती है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बाल को खुला रखे अगर कोई सोते हैं तो इसमें क्या होता है, रात के समय जो है नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर ये नकारात्मक जो शक्तियाँ होता है, जो कि नेगेटिविटी हम कह सकते हैं, वो हर जगह पे है, हर घर पे है, हर स्थान में है, हर एक जगह पे नकारात्मक शक्तियाँ होता है। तो हम अगर बाल खुला रख के सोते हैं तो उस वक्त रात के टाइम नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा रहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे ऊपर बुरा प्रभाव नकारात्मक शक्तियों का, मतलब नेगेटिविटी का प्रभाव जो है, या फिर आप कह सकते हैं ऊपरी हवा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है अगर कोई बाल खुला रख के सोते हैं। देखिए कई बार होता है कि कई बार फंक्शन प्रोग्राम या फिर शादी के लिए बाल को खुला रखा जाता है फैशन के हिसाब से, तो उस समय मैं आपको कहूँगी कि कभी कभी तो चलता है, पर रोज़ अगर हम बाल को खुला रखते हैं या फिर हम अगर नहाने के बाद, बहुत लेडीज़ ऐसे हैं कि छत पे बाल खुला रख के चलते हैं टहलते हैं, या फिर घर के सामने गेट के सामने बाल को खुला रखते टहलते हैं, इस वक्त भी आपको कह देती हूँ कि कोई भी शनि या मंगलवार के दिन अगर बाल खुला रख के आप लोग टहलते हैं, इस वक्त भी नकारात्मक ऊर्जा आप लोगों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। या फिर बहुत आज की डेट में इस तरह की जो फैशन है, इस तरह की फैशन लोग फैशन तो करती है, लोग मानते नहीं हैं। कई बार देखा गया है कि ऊपरी हवा के असर से इंसान की जातक की जो है बिहेवियर में, उनकी व्यवहार में चेंजेस आना शुरू हो गया, उनकी बातचीत में चेंजेस आना शुरू हो गया, उनके शरीर में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। और साथ ही ये सब की प्रॉब्लम के बावजूद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी इलाज करने के बावजूद भी कुछ जो प्रॉब्लम्स की सल्यूशन नहीं हो पाता है, मतलब कोई दवाई देने के बावजूद भी लेडीज़ जो है या फिर कोई भी जातक है उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, तो लोग ओझा बद्दी जगह जगह पे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं
क्यों ना हम पहले से ही इस चीज़ों के बारे में जान लें और इस चीज़ को जान के अगर हम इसी तरह हम अपनी जीवन शैली में हम जीवन शैली ज़रा थोड़ा चेंज कर लें, जैसे कि बाल हमेशा खुला रख के नहीं खुला नहीं रखना चाहिए, इस तरह की जीवन शैली अगर हम अपना लेंगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारे जीवन में जो है प्रॉब्लम आना समाप्त हो जाएगा। तो उसके एक्चुअली मोटो ये है बोलने की कि बाल खुला रखने से ऊपरी हवा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। चलिए आज तो इतना ही, फिर आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ नया पूजा पाठ साधना लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी, नया कोई टोटका लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।